हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्नैक वीडियो ऐप कैसे यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, शॉर्ट वीडियो ऐप है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से वीडियो अपलोड करना है, कम्प्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से स्नैक वीडियो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है स्नैक वीडियो। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने यह ऐप आ जाएगी, इसका आइकन आप देख लीजिए। आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ऐप ओपन करते ही इस प्रकार से आपके सामने वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, तो कॉर्नर में आपको माई अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। फेसबुक से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, गूगल से भी अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस मोबाइल वाले आइकन पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने मोबाइल वाले आइकन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपना नंबर टाइप करना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको टाइप करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। परमिशन अलाउ करते ही इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नाम यहाँ पर दिया गया है, और अगर आप प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम चेंज कर सकते हो और जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, और अपना बायो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल फ़ोटो सेट करने के लिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर चेंज आपको लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप गैलरी से भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए, और उसके बाद जो नीचे येलो कलर में टिक मार्क बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बैक करना है, और ऊपर जो टिक मार्क बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपने चेंजेस किया है वो सब सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके फॉलोवर्स देखने को मिल जाएंगे, आपकी फॉलोइंग की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी आप पोस्ट करोगे वो आपको पोस्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, प्राइवेट पोस्ट आपकी प्राइवेट वाले में दिखेगी, और लाइक वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो नीचे नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इस ऐप के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो सीधा यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वीडियो अपलोड करने की, तो वीडियो अपलोड करने के लिए आपको प्लस का आइकन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो, या फिर गैलरी से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कैमरा को ओपन कर लिया है। जो भी परमिशन मांगे आप अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए जो फ्लिप लिखा हुआ है, इसका यूज करके आप कैमरे को फ्लिप कर सकते हो। तो जो कैमरा आपका है वो चेंज हो जाएगा, अगर फ्रंट कैमरा एक्टिवेट है तो बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके नीचे आपको स्पीड का ऑप्शन मिलता है, तो आप स्लो फास्ट भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइमर भी अपने वीडियो पर सेट कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड भी मिलता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ऊपर आपको फ्लश ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसका यूज करके फ्लश को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे आपको साइड में फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप कोई भी फ़िल्टर यहाँ से यूज कर सकते हो। ढेर सारे फ़िल्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप वीडियो 11 सेकंड की भी बना सकते हो और 57 सेकंड की भी वीडियो बना सकते हो। नीचे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिल जाता है। म्यूजिक ऐड करने के लिए साइड में आपको म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी म्यूज़िक आप सर्च वगैरह करना चाहते हो ऑनलाइन सर्च करके यूज कर सकते हो। और आप अपने गैलरी के यानी कि फाइल मैनेजर का भी जो सॉन्ग है उसे यूज कर सकते हो। लोकल वाले ऑप्शन में आपको सभी सॉन्ग मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग बटन पर एक बार प्रेस कर देना है, तो जो आपका वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको साइड में नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फिर से आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से अपने वीडियो का कवर सेट कर सकते हो, स्टिकर अप्लाई कर सकते हो, म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, और फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो हैशटैग है वो टाइप कर देना है, टाइटल टाइप कर देना है। आप यहाँ पर @ का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटिंग भी मिलती है, तो आप अपने वीडियो को सेलेक्ट कर पाओगे, वीडियो किस में अपलोड करना है, पब्लिक में या फिर प्राइवेट में, जिसमें भी आपको अपलोड करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आप इसे गैलरी में भी सेव करना चाहते हो तो सेव टू लोकल वाला जो ऑप्शन है इसे भी आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होगा। अब यहाँ पर आपको शेयर का नीचे बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो आपकी अपलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अगर होम पेज की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम इंटरफेस दिखेगा टिकटॉक की तरह। यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे का वीडियो यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नीचे इस तरीके का एक म्यूज़िक का आइकन दिखेगा, इसका यूज करके आप दूसरे के सॉन्ग पर भी अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सर्च वाले ऑप्शन में आप किसी का यूज़र नेम टाइप करके सर्च कर सकते हो,
तो यही है ऐप स्नैक वीडियो, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने इसे यूज़ किया, काफ़ी पसंद आई मुझे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।